किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप होना दोनों कंपनीज के लिए फायदे का सौदा होता है। इससे स्किल तो डेवलप होते ही हैं, साथ ही कंपनीज फाइनेंशियली ग्रो करती हैं, जैसे मारुति सुजुकी और हीरो होंडा इसके परफेक्ट एग्जांपल है। और ऐसा ही कुछ किया है हीरो इलेक्ट्रिक ने, पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए हीरो इलेक्ट्रिक, जो एक इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत कम समय में मार्केट में एक नई पहचान बना ली है। NIDEC, जो जापान की इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दोनों ने साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कर ली है। एक तरफ तो हीरो इलेक्ट्रिक जल्द ही आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आने वाली है, जिसके लिए जापानीज कंपनी NIDEC हब मोटर बनाएगी। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस वक्त हीरो इलेक्ट्रिक के 55,000 से ज्यादा कस्टमर्स है, तो जाहिर सी बात है जापानीज कंपनी को भी इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। साथ ही हीरो इलेक्ट्रिक इन बाइक्स को इंडियन रोड कंडीशन, टेम्परेचर, डस्ट, ओवरलोडिंग जैसे इश्यूज को ध्यान में रख के डिजाइन कर रही है। अब ये पार्टनरशिप हमें 1984 में हुई हीरो होंडा पार्टनरशिप की याद जरूर दिलाता है, जिसमें जापानीज कंपनी होंडा मोटर्स ने हीरो के लिए मोटर बनाने का एग्रीमेंट साइन किया था और धीरे धीरे भारत में खुद की ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया था। बस अब यहाँ पर देखना ये होगा कि हीरो इलेक्ट्रिक अपने कजिन हीरो मोटोकॉर्प से कुछ सबक लेती है या नहीं। वहीं 2 साल पहले ही NIDEC और हीरो इलेक्ट्रिक की टीम्स ने एक साथ मिलकर काम शुरू कर दिया था। अब हीरो इलेक्ट्रिक की जो ई बाइक्स आएंगी उनमें NIDEC की हब मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस बाइक को फरवरी 2023 में लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही हीरो इलेक्ट्रिक ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक MOU भी साइन किया था, जिसके अंदर कंपनी राजस्थान में एक मेगा EV मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करेगी। आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।